दोस्तों अभी आप मेरे हाथ में जो क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं बजाज फाइनेंस की आरबीएल बैंक की क्रेडिट कार्ड है। और कई मजे की बात यह है कि ये कार्ड मुझे कंप्लीट 2 दिन के अंदर में मेरे एड्रेस पे बाइक पोस्ट के माध्यम से कंप्लीट डिलीवर्ड हुई है। और कई सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इस कार्ड के लिए हमें किसी भी प्रकार की इनकम प्रूफ नहीं देनी पड़ी है, ना ही गेज किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है। मेरे सिविल और प्रोफाइल के बेसिस पे फाइनली गेज एक कार्ड मुझे मिल गई है। देखिए दोस्तों ये कार्ड आपको कैसे मिलेगी, इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट लाइव FTA by FTA प्रोसेस करके दिखाया है कि आप घर बैठे बजाज फाइनेंस की आरबीएल बैंक की क्रेडिट कार्ड को कैसे ले सकते हैं। अब देखिए गई आप पूछेंगे कि इस कार्ड की चार्जेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि लिमिटेड पीरियड ऑफर में एक कार्ड आपको बिल्कुल 1 साल के लिए फ्री दिया जा रहा है। यहाँ पे न आपको ज्वाइनिंग फी देनी है, न आपको एनुअल फी देनी है, और 1 साल के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग फी नहीं देनी है। आपको 1 साल के बाद सिर्फ ओनली वन आपको जो है एनुअल फी देनी है। एनुअल फी आपको 999 रुपया पे करनी है। अगर कहीं आप 1 साल के अंदर में इस कार्ड से 1 लाख रुपए की शॉपिंग करते हैं तो आपकी जो भी एनुअल फी है वे भी माफ हो जाती है, आपको नहीं देनी होती है। वहीं कहीं इस कार्ड की बेनिफिट की बारे में बात करें तो अगर आप जो है इस कार्ड से 1 साल में 2 लाख रुपए की शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 10,000 रिवार्ड पॉइंट्स मिलती है, जो कि गई 4 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू जो है 1 रुपया होती है। तो फाइनली गई यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट होने वाली है। साथ में गई कार्ड इशू होने की 30 दिन के अंदर में अगर आप जो है इस कार्ड से 2,000 रुपये की स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 4,000 रिवार्ड पॉइंट्स मिलती है। हर महीने बुक माई शो पे 1 टिकट बुक करते हैं इस कार्ड से तो फाइनली गई 1 टिकट पे आपको 1 और टिकट यहाँ पे बिल्कुल फ्री में दी जाती है। हर साल आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी मिलती है, जो कि गई आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप बजाज फाइनेंस स्टोर पे किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे EMI कार्ड से बाय करेंगे तो आप जितना यहाँ पे डाउन पेमेंट करेंगे उसका 5% आपको कैशबैक मिलेगी। साथ में गई आप जो है 2500 या फिर उससे ज्यादा रुपया यहाँ पे स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आप इसे EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में गई 50 दिन के लिए इंडिया की किसी भी ATM मशीन से आप जो है बिल्कुल कैश विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ पे फ्री में। और भी बहुत सारी बेनिफिट है छोटी छोटी, जो कि गई आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस कार्ड की पॉपुलर होने की एक ही रीजन है कि आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है भर भर के देती है। तो फाइनली गई अगर आपको भी एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड की तलाश है तो आप जो है बजाज फाइनेंस की आरबीएल बैंक की क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको कार्ड मिले या ना मिले आपके सिविल पे किसी भी प्रकार की इंक्वायरी नहीं होती है। मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनली गई देर किस बात की, चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम सीख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस की आरबीएल बैंक की क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाती है, आप अपनी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद गई यहाँ पे आप डायरेक्टली आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ से आपको अपनी क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट अप्लाई करने की जर्नी स्टार्ट होती है। देखिए दोस्तों अगर आपकी लोकेशन पे एक कार्ड अवेलेबल नहीं होगी तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप कौन सी बैंक की कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली गई वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ की बटन मिलेगी, आप जो है उस बैंक की कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली गई अभी हम फिलहाल आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस दोनों कंबाइन करके जो आपको कार्ड प्रोवाइड करती है उस कार्ड के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपसे परमिशन मांगी जाती है, यहाँ पे आप अपनी लोकेशन की परमिशन अलाउ कर देंगे। यहाँ पे गई आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस आरबीएल बैंक बिंग सुपर कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री। देखिए गई ये कार्ड आपको बिल्कुल फर्स्ट ईयर यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री मिलती है। देखिए गई ये कार्ड आपको बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट ईयर फ्री मिलती है, आपको 1 भी रुपया चार्जेस नहीं देनी होती है। और भी गई इस कार्ड की कंप्लीट यहाँ पे बेनिफिट और फ्यूचर्स के बारे में बताई गई है। फाइनल गई आप इसे कंप्लीट यहाँ पे रीडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। डायरेक्टली हम इस कार्ड को यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेस को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे आपकी मोबाइल नंबर मांगे जा रही है। गई आपकी जो भी मोबाइल नंबर होगी फाइनली गई आप अपनी मोबाइल नंबर को इस बॉक्स में कम्प्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे गेट OTP वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए गई आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया होगा फाइनल गई उस मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन के लिए एक OTP पिन सेंड की जाती है, उस OTP को आपको इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करना है। OTP फिल करने के बाद फाइनल गई आपको यहाँ पे एक सबमिट की बटन मिलेगी, आप यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए गई यहाँ पे फिर से आपको अप्लाई नाउ की एक बटन मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने पेज जो है लोडिंग ले रही है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी वेट करनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी नेम फिल करनी है, आप जिनका भी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनकी कंप्लीट नेम फिल करेंगे, यहाँ पे उनकी पैन कार्ड की नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रोसीड की बटन मिलेगी, फाइनली गई यहाँ पे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए गई यहाँ पे आपसे आपकी फादर्स की नेम पूछी जा रही है, यहाँ पे आपसे आपकी मदर्स की नेम पूछी जा रही है, आप इसे कंप्लीट फिल करेंगे।
उसके बाद गई यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी फिल करेंगे, आपकी जो भी ईमेल आईडी है आप इसे कंप्लीट फिल करेंगे। और गई यहाँ पे आपसे जेंडर पूछी जा रही है, यदि आप मेल हैं तो मेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गई यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछी जा रही है, यदि आप सिंगल हैं तो यहाँ पे सिंगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यदि आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे आप मैरिड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और फाइनली गई यहाँ पे आपको एक प्रोसीड की बटन मिलेगी, आप यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए गई यहाँ पे आपसे ऑक्यूपेशन टाइप पूछी जा रही है, यदि आप सैलरीड हैं तो यहाँ पे आप सैलरीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ से आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और गई यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट डेस्टिनेशन फिल करेंगे, और गई यहाँ पे आप अपनी कंपनी की नेम फिल करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सैलरीड सिलेक्ट किए हैं तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसे कंप्लीट फिल करेंगे, यदि आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किए हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपकी कौन सी बिजनेस है, आप बिजनेस में क्या करते हैं उसे कंप्लीट फिल करेंगे, और यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए गई यहाँ पे आपसे एड्रेस डिटेल पूछी जा रही है, यानी कि गई आप अपने कार्ड को जिस भी एड्रेस पे डिलीवर करना चाहते हैं फाइनली गई उस एड्रेस को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे चूज योर करंट होम एड्रेस की एक ऑप्शन मिलती है, फाइनली गई आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे, और गई आपकी जो भी होम एड्रेस है अभी करंट में फाइनली गई उसे कंप्लीट आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल कर लिया है, और गई यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरी एड्रेस जो है कंप्लीट देखने को मिल जाती है। और गई यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप अपनी कार्ड को कौन सी एड्रेस पे डिलीवर करना चाहते हैं, यदि आप ऑफिस एड्रेस पे डिलीवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑफिस एड्रेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और फाइनली गई यहाँ पे न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी ऑफिस की कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। दोस्तों मेरे केस में मैं अपनी होम एड्रेस पे यहाँ पे डिलीवर करना चाहता हूँ तो उसे कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब गई यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दी जाती है। ओके, अब देखिए गई यहाँ पे एप्लीकेशन जो है कंप्लीट सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो चुकी है, यहाँ पे गई आपको थैंक यू की भी मैसेज देखने को मिल रही है। और गई यहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये बैंक एग्जीक्यूटिव विल कॉन्टेक्ट विथ यू दी एट शेड्यूल्ड डेट एंड टाइमिंग टू कंप्लीट योर KYC। देखिए गई यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है। और फाइनली गई यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब RBL बैंक के जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वे आपके एड्रेस पे, यानी आपने जो भी एड्रेस फिल किया है फाइनली गई उस एड्रेस पे विजिट करेंगे, और फाइनली गई आपकी क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट KYC कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों आपके केस में वीडियो KYC भी की जा सकती है, मेरे केस में मेरी जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वे मेरे एड्रेस पे कंप्लीट सेम डे ही पहुंच चुके थे, और गई फिंगरप्रिंट डिवाइस से मेरे फिंगर को कंप्लीट यहां पे स्कैन किया गया, उसके बाद फाइनली गई मेरी KYC वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हुई। देखिए दोस्तों हमसे यहां पे किसी भी प्रकार की इनकम प्रूफ नहीं मांगे, किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, मेरी प्रोफाइल और सिविल की बेसिस पे और फाइनली गई फिंगरप्रिंट की डिवाइस की बेसिस पे मेरी कंप्लीट KYC हुई, और गई मेरी KYC जो है कंप्लीट हो गई, और मुझे कंप्लीट यहाँ पे मैसेज भी मिल गई। उसके बाद गई कुछ ही देर बाद मुझे यहाँ पे कार्ड अप्रूव की भी कंप्लीट मैसेज मिल गई, जो कि गई आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। और गई इस मैसेज में बताया गया कि योर बजाज फाइनेंस RBL बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, और फाइनली गई यहाँ पे मैं कंप्लीट लिंक एग्रोफी देखने को मिल जा रही है। और गई सेम डे ही कार्ड की स्टेटस देखने पे कुछ इस प्रकार से दिखाया कि यहाँ पे आपकी जो भी सुपर कार्ड की एप्लीकेशन है ये कंप्लीट यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो गई है, और गई यहाँ पे 5 से 7 वर्किंग डेज में आपकी जो भी कार्ड है वे आपके एड्रेस पे कंप्लीट बाय पोस्ट के माध्यम से डिलीवर्ड हो जाती है। कार्ड डिलीवर्ड होने के बाद RBL बैंक की जो भी ऐप होती है RBL बैंक माई कार्ड वाले आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, और उस ऐप में रजिस्टर होने के बाद आप अपने कार्ड की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस अगर आपको भी क्रेडिट कार्ड बनवानी हो तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपको FT/FT करके बता दिया, और गाइस मैंने आपको जो भी बताया है अपने क्रेडिट कार्ड की एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया है। तो फाइनली गाइस उम्मीद है कि आपने ये सारी चीजें समझ गए होंगे, और गाइस आपको फिर भी इस कार्ड को बनवाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फाइनली गाइस आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और हाँ एक चीज और कि अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बेस्टर्न पॉइंट को देख रहे हैं तो फाइनली गाइस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।